आज आपका डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? एरी ट्रायंगल में कितना शीर्ष होता है आपका? 3 होता है। मानिए ए दे दिया, बी और सी, इसका कुछ ना कुछ क्वाड्रेंट होगा। तो मानिए एक्स वन वाई वन है ये आपका, एक्स टू वाई टू है ये आपका, एक्स थ्री वाई थ्री है। तो इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें। एरिया आपको निकालने के लिए पता है, डिटरमिनेंट के यूज से कैसे निकालेंगे। हाफ लिखना है, डिटरमिनेंट बनाइए एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, वन 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 लास्ट में लगा देंगे। आपका क्या हो जाएगा? यही जो निकलेगा इसका मान क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको क्वेश्चन दे देगा, मानिए सिर्फ कुछ भी दे दिया, मानिए 1 0 दे दिया है, 6 0 दे दिया है, 4 3 दे दिया, इसका एरिया पूछे तो आप इस पर बैठा सकते हैं आसानी से। कैसे? तो 1/2 रखेंगे, 1 0 6 0 4 3, 1 1 1 आपको मैनेज करना है। अब देखना इसमें बताए हुए हैं क्या प्रॉपर्टीज, जिसमें ज़्यादा जीरो, इस रो में देखिए बहुत ज़्यादा जीरो, 2 0 है, 3 को लेकर हम यूज कर सकते हैं। 3 को लेंगे तो क्या होगा? हाफ तो होगा। मॉड लगाएंगे, 0 को रखेंगे 0 होगा, 0 को रखेंगे तो 0 होगा, फिर भी रख लीजिए 0 का आगे क्या होगा? यहाँ देखिए 1 2 है जगह को, क्या है 1 2, तो निगेटिव होगा। चिन्ह इसलिए दे रहे हैं कि आप लोग को आसानी हो बनाने में। आएगा क्या? 6 1 4 1। अब ये जो होगा इसका क्या है? 2 2 है, तो मतलब पॉजिटिव है। क्या होगा आपका? 0 रखेंगे तो 1 1 4 1, 1 1 4 1। आपका 3 है, 3 क्या आएगा? निगेटिव आएगा, तो क्या रखेगा? 1 1 6 1। हल करने के बाद देखिए तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसको हल करेंगे 1 -6, हाफ हो गया, -3 हो गया, इंटू 1 -6 तो -5 3 15, हाफ इंटू 15, तो आंसर आपका क्या हो गया? 15/2। तो ध्यान में ये रखना है, अब आपको ध्यान में ये रखना है, यदि आपको एरिया ही दे दिया, पूछा गया कोई जगह का मान नहीं दिया, मानिए ई ही पूछा गया है, तो क्या और इसको कैसे निकालेंगे? तो एरिया जब भी निकालेंगे, एरिया वैसे में जब भी यूज करेंगे तो क्या करेंगे? माइनस प्लस दोनों का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना है, कैसे निकालेंगे बता रहे हैं। अब देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, तीनों शीर्ष दे चुका है यहाँ, लेकिन के क्या आपका अननोन है, एरिया दे चुका है, तो के का मान ही आपको क्या है निकालना है यहाँ। कैसे निकालते हैं? आपको तो पहले एरिया का फार्मूला लगाना, हाफ होता है 2 -6 होगा, 5 4 होगा, के 4 होगा, 1 1 1 रखना, इक्वल टू क्या लिखना आप? +-35। अननोन यहाँ नहीं, एरिया दिया हुआ है, अननोन आपका यहाँ के है। 2 को उधर कर लीजिए, इसको तोड़िए तो क्या होगा? 4 1 4 1, माइनस लगाना है, 1 माइनस ऑलरेडी है, तो क्या होगा आपका? 5 1 k 1, तो क्या रखना है? +1 रखना है, तब क्या होगा? 5 4 k 4 इक्वल टू क्या? 2 को इधर कर लिए तो +-70। इसको सॉल्व कीजिए, 4 -4 तो 0, 2 × 4 -4 +6 × 5 -k 1 × 20 -4k +-70। सोल्व कीजिए, आपका 0 हो चुका है, 6 5 30 -6k 20 -4k इक्वल टू +-70। दोनों ऐड हो जाएगा तो -10k हो गया आपका, इक्वल टू क्या होगा? +-70 माइनस क्या होगा? 50। अब एक बार क्या करना है, यहाँ प्लस लेके यूज करना है, एक बार माइनस लेके यूज करना है, तो -10k इक्वल टू -70 -50, -10k इक्वल टू +70 -50, तो यूज करेंगे तो -10k इक्वल टू क्या होगा? -120 -±+k इक्वल टू 12 निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ -10 इक्वल टू क्या होगा? 20। के का मान क्या निकलेगा? माइनस इधर है तो उधर चलेगा, तो -2 आपका निकल जाएगा। ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। जैसे देखिए ये आपका दे दिया मैट्रिक्स दिया रहेगा, इसमें आपको माइनर या कोफैक्टर पूछा जाए। 2x2 का आसान है इसलिए 3x3 के एग्जांपल लिए एक ही बार में। इसमें माइनर पूछा जाएगा तो आपको ध्यान क्या रखना है, यदि a11 का माइनर पूछा गया, किसका पूछा गया, माइनर ऑफ a11, तो क्या होगा आपका, सिर्फ इस कवर कीजिए और लिख दीजिए a22 a23 a32 इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका क्या हो चुका है, माइनर निकल चुका है। एक कोफैक्टर बोलेगा, कोफैक्टर को हम लोग ए से लिखते हैं, तो a11 यदि बोलेगा तो यहाँ -1 के पावर 1+1 यहाँ से इसमें क्या लिखेंगे m11, मतलब माइनर का जो मान आया ये ध्यान रखना है बस। जैसे मान लिया आपको क्वेश्चन दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही दे दिया, तो आपको पूछा जाएगा मानिए m23 बोल दिया, m23 एलिमेंट कौन है, 6 है तो इसको यदि कवर करेंगे तो कौन आएगा, देखिए ये लाइन कवर होगा और बीच वाला कवर होगा, तो बचा क्या आपका 1 2 7 8 आएगा क्या आपका, सॉल्व कीजिए 8 -14 तो आपका आंसर क्या आ चुका, -6। यही आपको कोफैक्टर पूछा जाएगा a23 का, तब क्या होगा -1 के पावर 2+3 इसमें क्या लिखेंगे हम m23, तो -1 के पावर क्या है आपका 5 है, क्या है 5 है, इसका मान क्या है -6 है। -1 के पावर यदि सम होगा तब पॉजिटिव हो जाता है, विषम रहे तब नेगेटिव ही रहता है, तो -1 × -6 आंसर आपका क्या आ चुका है, 6 आ चुका है। ऐसे करके आप माइनर और कोफैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन बोलेगा किसी का भी बोल सकते थे, आप लोग अपना ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना माइनस प्लस यहाँ से भी डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जैसे इसका मान ये माइनर निकाल चुके हैं, कोफैक्टर निकालना तो आगे क्या होगा प्लस होगा, 3 3 है, मान आप ऐड भी कर सकते हैं, 2 3 है तो यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, बस इतना ही जगह निगेटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव है, तो इतना ही चीज़ ध्यान रखना। अब आपका क्या एडजॉइंट है, क्या है एडजॉइंट, यदि आपको एडजॉइंट बोलेगा निकलने तो आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं आसानी से, आपका दिया रहेगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, मानिए मैट्रिक्स दे दिया इसका एडजॉइंट, पहले सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे, आपका क्या होगा a11 a12 इसका निकालेंगे तो a13, सभी को अपने अपने जगह पर निकाल के उसके बाद मैट्रिक्स भी बनाना है a21 a22 a23 a31 a32 a33, आपका इसका क्या बन चुका है मैट्रिक्स बन चुका है उसके कोफैक्टर से, तब इसका क्या निकालना है, इसको बी मान लेंगे तो b' इसका ट्रांसपोज निकल जाए, यही आपका क्या हो जाता है एडजॉइंट ए हो जाता है, ये ध्यान रखना है। जैसे मानिए एग्जाम्पल ले लीजिए कुछ, वैसे मान यही आपको दे दिया है मैट्रिक्स दिया, आपको निकालना क्या है, पहले a11 निकालना है, फिर a12 निकालना है, फिर a13, ऐसे कर करके सबको फाइंड करना है, कीजिए a11 का क्या होगा -1 के पावर 1+1 इसमें क्या आएगा 0 1 2 3, हल करेंगे 0 -2, a12 करेंगे तो -1 के पावर 1+2, हल करेंगे तो क्या आएगा 2 1 1 3, 2 1 1 3 सॉल्व करेंगे तो माइनस आगे मल्टीप्लाई हो 6 -1 तो -5 होगा, तो शेष सबको आगे कीजिए a13 का क्या आएगा, यहाँ रखेंगे 3 2 6 -1 तो 5 पे रह जाएगा, उस तरह a21 का a22 का a23 का a31 का, उसके बाद आपको निकालना a32 a33 का, सभी का निकाल लेंगे, इसका इस जगह से निकालिए तो क्या होगा, देखिए इस जगह का मान क्या होगा a13 है तो मतलब पॉजिटिव रहेगा, ये ध्यान रखना है, a21 है तो नेगेटिव रहेगा, तो इसके लिए क्या होगा 3 8 2 3 3 3 9 -16 क्या आ जाएगा आपका -7 आ जाएगा, -7 है ऑलरेडी एक माइनस लगेगा तो +7 हो गया, a22 आपको निकालना हो 0 से निकालेंगे, याद रखना मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ अंदर वाला का 0 रखेंगे तो माइनस फिर भी है,
प्लस है यहाँ टू टू है, तो 3 5 जा 1 8 जा 3 5 जा 15 माइनस 8, तो क्या होगा 15 माइनस 8 7 होगा, 8 2 3 है और 8 2 3 को लेंगे 2 5 जा 10 माइनस 3 फिर 7 है, लेकिन ये ध्यान रखना है 2 3 है तो माइनस ये 3 1 यहाँ से देखिए तो क्या होगा 3 माइनस 8 3 ही रह जाएगा, 8 3 2 2 को लेना है तो क्या होगा 1 5 जा 5 माइनस 16 तो 11 रहेगा माइनस में, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कर देगा, माइनस इंटू माइनस 11 ऐसे करके लिखिए, बाद में फिर क्या लिखिए प्लस 11, ये 3 3 होगा तो आपका क्या होगा 0 और 6 तो -6। अब इसको क्या करेंगे, मान लेंगे लेट बी इक्वल टू, इससे हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो क्या होगा स्टार्ट से लिखते चल रही है, पहला मान क्या निकला था -2, फिर आपका क्या निकला -5, तब 5 -2 -5 5 7 7 -7 3 11 -6। अब इससे आप बी डैश निकाल लीजिए तो बी डैश आपका क्या होगा -2 -5 5 रो को कॉलम बनाना है, 7 7 -7 3 11 -6 यही आपका क्या कहलाता है एडजॉइंट ए कहलाएगा, ध्यान रखना है नोट कीजिए। अब इसी में एक आपका आता है इनवर्स भी पूछ रहे थे, इनवर्स का फार्मूला भी, इनवर्स को किससे लिखते हैं, ए इनवर्स का होता है फार्मूला क्या एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, जो कि आप लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट ए का मान निकाल के एडजॉइंट ए जो निकलेगा इसमें क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, इसमें डिवाइड करना किससे डिटर्मिनेंट ए के मान से, तो आपका क्या निकल चुका है ए इनवर्स का भी, तो इसको भी नोट कर लीजिए। यहाँ के बाद आपका एक फार्मूला है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको भी देख लीजिए, कोफैक्टर की सहायता से हम कैसे किसी भी सारणिक का मान निकालेंगे उसको देख लीजिए, कोफैक्टर की सहायता से जैसे a11 देगा तो आपको एलिमेंट भी a11 का लेना है, प्लस यदि a12 लिए तो a12 लेंगे, प्लस a13 लिए तो a13, यही आपका क्या होगा सारणिक का मान होगा, ये फार्मूला का ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव पूछने की ज़्यादा संभावना रहता है। अब नेक्स्ट आपका है इसी में इक्वेशन दे देगा, उसको हम सारणिक की तरह से हल कर सारणिक विधि से हल करके मान कैसे निकालेंगे, देखिए वो कैसा क्वेश्चन रहता है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया ए बी, आपको बोला जाएगा ए बी मल्टीप्लाई करके इसका होल इनवर्स निकालना है, प्रूफ करने बोलेगा, इसका फॉर्मूला होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, याद भी रखना और इसको प्रूफ भी करते हैं देख भी लीजिए। इनवर्स निकालने के लिए पहला काम तो ए बी मल्टीप्लाई करना, तो ए बी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा आपका 3 7 2 5 मल्टीप्लाई क्या होगा 6 8 7 9 मल्टीप्लाई करने के लिए जानते हैं 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई 9, उसके बाद होगा 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7, फिर इस लाइन को इस लाइन में करना है तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 9, सबको ऐड कर लीजिए ये आपका मल्टीप्लाई करके इतना आएगा, उसके बाद इस ए बी निकला। अब इनवर्स निकालने का पहला काम क्या डिटर्मिनेंट ए बी निकालते हैं, इसका तो क्या होगा 67 मल्टीप्लाई 11 माइनस 47 मल्टीप्लाई 84, इसको करके देखिए 0 नहीं आना चाहिए, यदि 0 आ गया नीचे 0 कोई भी संख्या हम 0 से भागते हैं तो क्या हो जाता है आपका अपरिभाषित हो जाता है, ये ध्यान रखना 0 आ गया तो यहीं सोल्यूशन को छोड़ देंगे, फिलहाल 0 तो नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, तो ऐसे करके इसका मान निकाल सकते हैं, माइनस करके डिटर्मिनेंट आपका क्या निकल चुका है ए बी का मान निकल चुका है, माइनस कर लीजिए कितना बचेगा 139 बचेगा 139। अब आपको क्या निकालना है सब एलिमेंट ए बी जो निकला है इसका क्या निकालना है आपको बारी बारी से कोफैक्टर निकालना है, दोनों चेंज हो जाएगा इस साइड माइनस लग जाएगा, ये ध्यान रखना ये चेंज होगा और इस साइड माइनस लगेगा, 2 बाय 2 का डायरेक्ट निकालने के ठीक ही है, तो a11 a12 है a21 है a22 है, तो आपको यदि माइनर पूछा जाएगा इसका क्या निकलेगा माइनर सबका, माइनर में भी देखिए चेंज होगा a22 होगा a
वन टू होगा, ए टू वन होगा, ए टू टू होगा, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव चिन्ह का अंतर नहीं करेंगे। यही यदि कोफैक्टर पूछेगा सबका तो क्या करेंगे, चेंज तो फिर भी करेंगे, ए टू टू, ए टू वन, ए ये दोनों को एक्सचेंज करते हैं, ध्यान रखना, इधर से इधर, इधर से इसको भी चेंज करते हैं, तो क्या होगा, ए टू, ए वन वन, ए वन टू यहाँ हो जाएगा, तो ए टू वन यहाँ आ गया, तो ए टू वन वन यहाँ आ जाएगा। अब शेष देखिए, यहाँ वन टू का एड कितना होगा, विषम होगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, टू बाय टू का ये डायरेक्ट है, तो इसको माइनस से क्या करना, डिवाइड करना है। उसके बाद आपको पहले बी का इन्वर्स निकालना है इसी प्रोसेस से, फिर ए का इन्वर्स निकालना है, जितना भी निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मान क्या आएगा, ऑटोमेटिक आपका बराबर आ जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपको फार्मूला ये ध्यान में रखना, दी ए बी का होल इन्वर्स बोल रहा है तो क्या होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, वही यदि एडजॉइंट ए का होल इन्वर्स बोलेगा तो इसका आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए का इन्वर्स भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप ए इन्वर्स निकाल के उसका भी एडजॉइंट निकालेंगे, या इन्वर्स एडजॉइंट ए निकालने के बाद इन्वर्स निकालेंगे, दोनों का मान क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका बराबर हो जाएगा। यदि आपको ऐसा बोला जाएगा, ए इक्वल टू दे देगा, आपको ऐसा क्वेश्चन भी दे देगा, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए इक्वल टू जीरो, मतलब पहले इसको आपको साबित करना, ए स्क्वायर निकालेंगे फिर फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, आई कितना लेना है यहाँ, ध्यान रखना जितना मैट्रिक्स देगा उतना बाय उतना कहीं, तो वन जीरो जीरो वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यदि जीरो आ गया तब क्या करना, आगे बढ़ना, यदि जीरो आ गया तब उसके बाद बता रहे हैं, इसको पहले ध्यान से करना, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ दिया ही रहता, यदि नहीं है तो क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं संभव नहीं है, गलत है, तब आप ए इन्वर्स बराबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ए इंटू ए माइनस फाइव इंटू ए प्लस सेवन इंटू आई बराबर क्या, जीरो, इस सेवन आई को उस साइड कर लीजिए, तो ए इंटू ए माइनस फाइव ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस सेवन आई, ए इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इन्वर्स इंटू ए माइनस फाइव ए इंटू ए इन्वर्स माइनस सेवन आई इंटू ए इन्वर्स, इसका मान क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई इंटू ए माइनस फाइव आई इक्वल टू क्या होगा, माइनस सेवन ए इन्वर्स। अब इसका तो मान आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से, ए माइनस फाइव आई निकाल सकते हैं इक्वल टू क्या आपका, माइनस सेवन ए इन्वर्स निकालने क्या करना पड़ेगा, माइनस सेवन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं इधर ले आइए इसको, तो क्या होगा, सेवन ए इन्वर्स इक्वल टू फाइव आई माइनस ए, माइनस को चेंज कर दिया था, आपको किससे डिवाइड करना है, सिर्फ वन बाय सेवन ये हल करना है, फाइव आई माइनस ए का मान आपका दिया हुआ क्या है, वन बाय सेवन इंटू फाइव वन जीरो जीरो वन माइनस ए का मान क्या यूज करना, थ्री वन वन टू कर लीजिए, वन बाय सेवन फाइव जीरो जीरो फाइव होगा माइनस क्या आपका, थ्री वन वन टू, माइनस कीजिए फाइव में थ्री माइनस होगा तो क्या बचेगा, वन बाय सेवन, तो टू माइनस वन थ्री, यही आपको क्या निकल चुका है, ये इन्वर्स, ऐसा क्वेश्चन रहती है, इस प्रोसेस से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, पहले इसको क्या करना है, साबित कर लो यदि सही है तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहीं क्वेश्चन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जैसे आपका अब ये दो ऑब्जेक्टिव है, देखिए ए है कितना का, थ्री क्रॉस थ्री का एक वर्ग, अब एडजॉइंट ए पूछा, एडजॉइंट ए पूछने का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ए के पा थ्री बाय थ्री है, पावर एक कम हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, एक कोटि दो बीत करूँ, अब यू है डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स बराबर, डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, वन बाय डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स माइनस, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, पावर माइनस वन है, तो आप वन बाय जैसे हंड्रेड बाय टेन लिखते हैं तो क्या करते हैं, वन जीरो काटते हैं तो काटते नहीं, आप क्या करते हैं, डिवाइड में पावर माइनस होता है, ऊपर में क्या है, टेन का पावर टू है, नीचे में टेन का पावर वन, तो इसलिए क्या लिखते हैं, टेन का पावर टू माइनस वन माइनस करके लिखते हैं, तो वही चीज़ यहाँ नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, पावर माइनस एक आ जाएगा, उसी के इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, इन्वर्स पढ़ते हैं। आगे आपका क्या है, सारणिक का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट,
ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियो और मिलते रहेगा।